देखिए आज मैच का पांचवा दिन होना था, लेकिन तीन दिन में मैच खत्म होने के बाद आज जो है भारतीय टीम ने जो आज का दिन है वो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन के तौर पर उसको यूटिलाइज किया। कप्तान रोहित शर्मा सहित अन्य 8 खिलाड़ी जो है यहाँ पर आज अभ्यास सत्र में आए थे। काफ़ी फोकस्ड प्रैक्टिस जो है आज यहाँ पर हमने देखने को मिली। सबसे पहले अगर किसकी बात करें तो हम बात करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा की, क्योंकि काफ़ी वक्त जो है बॉलिंग कोच पारस मांबरे, हेड कोच राहुल द्रविड़ और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच बातचीत हुई, और उसके बाद कुछ मार्कर्स लगाए गए थे पिच पर, और उस लेंस पर जो है प्रसिद्ध को गेंदबाजी करने के लिए कहा गया था। तकरीबन 40 मिनट तक जो है ये अभ्यास चलता रहा। हर गेंद जब प्रसिद्ध कृष्णा डाल रहे थे, जहाँ पर वो गिर रही थी वहाँ पर जो है पारस मांबरे जाकर मार्क कर रहे थे उसको, और ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी देर तक जो है प्रसिद्ध के लाइन एंड लेंथ को ठीक करने के लिए, या फिर उनको जो है सही लाइन है उसको प्राप्त करने के लिए जो है ये कोशिश चल रही थी। लाइन और लेंथ दोनों पर जो है एक कड़ा अभ्यास हुआ। उसके बाद हमने ये भी देखा कि राहुल द्रविड़ ने काफ़ी वक्त दिया यशस्वी जायसवाल के बल्लेबाजी पर। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे उस पर जो है हेड कोच राहुल द्रविड़ ने ध्यान दिया। कप्तान रोहित शर्मा जो है काफ़ी वक्त तक बल्लेबाजी करने आए थे। रविंद्र जडेजा जो कि फिट नज़र आ रहे हैं, रविंद्र जडेजा ने काफ़ी देर तक जो है रोहित शर्मा को गेंदबाजी की, साथ में अश्विन थे और उसके साथ मुकेश कुमार भी थे। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन जो है यंगस्टर्स के साथ बातचीत करते हुए हमें दिखे। उन्होंने जो है मुकेश कुमार को काफ़ी गाइड किया कि कहाँ पर गेंदबाजी हो रही है, किस तरह से गेंदबाजी हो रही है, उस पर रोहित शर्मा की बातचीत हुई। काफ़ी देर तक जो है वो यशस्वी जायसवाल जब वापस बैटिंग करने आए तब यशस्वी जायसवाल की बैटिंग पर उनका ध्यान था। तो देखा जाए तो काफ़ी फोकस प्रैक्टिस रही प्रसिद्ध कृष्णा की, यशस्वी जायसवाल की। उसके बाद कैप्टन रोहित शर्मा का जो है एक उनकी एक पैनी नज़र थी किस तरह से यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उस पर, और हेड कोच राहुल द्रविड़ और पारस मांबरे ने जो है काफ़ी वक्त गुजारा प्रसिद्ध कृष्णा के साथ, क्योंकि ठीक से परफॉर्मेंस शायद टीम को जैसे चाहिए था उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हुआ था। तो जो है करेक्टिव मेजर्स के हिसाब से जो है एक प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर उनका हुआ। उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने भी काफ़ी बल्लेबाजी की। शार्दुल ठाकुर को दो बार जो है गेंद लगी, लेकिन थोड़ी आइसिंग करने के बाद वो ठीक नज़र आए, उन्होंने बल्लेबाजी भी की। इसके अलावा अश्विन जो है सबसे देर में बल्लेबाजी करने आए, और काफ़ी वक्त तक जो है आर अश्विन ने भी बल्लेबाजी की। तो एक समराइज किया जाए तो एक फोकस प्रैक्टिस रही है भारतीय टीम की ये सेंचुरियन के जो पांचवा दिन होना था टेस्ट मैच में, उस दिन एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन करके।